फ्लावर शेप वाली स्टार शेप वाली अप्पम तैयार। कितना सुंदर लग रहा है ना। फ्राई करने के बाद हमारी तड़का तैयार। उसके बाद मैं इसको 5 मिनट। ये देखिए कितना सॉफ्ट अप्पम, गर्मा गर्म अप्पम, स्टार अप्पम, मेरे शुभम स्टार है ना। 1.5 घंटे में ही मेरा अप्पम का बैटर फुल के फर्मेंट होके रेडी है। कड़ंग स्टू करी बोलते हैं। एकदम सिंपल है, इजी है और वेरी वेरी के मैं इसमें चावल डाल रही हूँ। देखिए इसमें मेरा पूरा भगोना खाली हो गया है। 2 किलो चावल, पोहा। क्या आया है? मीशो से आया है। क्या है देखते हैं ना क्या मीशो से ऑर्डर की हूँ। देखते हैं क्या है। अच्छा हाँ, ये देखो फ्लावर्स, लोटस फ्लावर्स, अपना वो जो नहीं है टैंक, बस हाँ फिश टैंक के लिए। पर ये बंद है, खोल सकते हैं क्या? बंद बंद है, बंद बंद है। ये देखो ऐसे ओपन कर सकते हैं ना, ये देखो ऐसे ओपन कर के खोल के देखना। वही मैं देख रही हूँ, देखो ऐसे कर सकते हैं। ये ऐसे बंधा हुआ है तो फिश टैंक तो जो लोटस है बहुत खराब हो गया था ना। हाँ हाँ हाँ। तो ये देखे इसको होगा क्या ऐसे ओपन होगा ना। हाँ होगा ना। येलो वाला अच्छा है ना, इसमें डबल कलर है, येलो एंड व्हाइट। ये थोड़ा सा पीच कलर में 6 आया है, मीशो से ली हूं मैं फिश टैंक के लिए। ये भी डबल कलर है। अच्छा ऐसा करो क्या, वापस ऐसा बंद हो जा रहा है वो आना थोड़ा थोड़ा ऊपर। हाँ ये देखो इस तरीके से कर रही हूँ, हो जाता है ये बंद हो गया वापस फिश टैंक के लिए बहुत गंदा हो गया था ना, काई लग गया था लोटस फ्लावर में तभी ये वाला। देखते पर ये ऐसे बंद है, अपन ऐसे उसके ऊपर कुछ रख दे क्या, वेट तो शायद खुला खुला रहेगा ना। और ये किशमिश, ब्लैक किशमिश, हम लोग इसको रोज थोड़ा थोड़ा भिगोते हैं, भिगोते इसको वॉश करके हम लोग तीनों खाते हैं। अमन तो अभी वहां पे, अमन लेके गया था रोज थोड़ा थोड़ा, मतलब एक मुट्ठी के करीब, इससे बहुत सारा पैकेट लेकर आए हैं किशमिश। देखिए हीमोग्लोबिन बढ़ने के लिए ये बहुत सारा न्यूट्रिशियस वाला चीज तो है ही, तो हम लोग ये रोज लेते हैं। अब मैं चलती हूँ, थोड़ा सा काम है अभी, अप्पम का काम करना है, अप्पम पीसने का, अप्पम और स्टू करी। ये केरला का ऑथेंटिक ब्रेकफास्ट है, एकदम सुपर टेस्टी अप्पम और स्टू करी। आपको मैं दिखाती हूँ उसके सारे प्रोसीजर कैसा है। अभी जैसे अप्पम है, अप्पम के साथ बहुत कुछ चीजें खाया जाता है साथ में, अंडा करी हो, चिकन करी, फिश करी, प्रॉन करी, फिश मोली, ऐसे बहुत सारे स्टू करी, कूरमा, वेजिटेबल कूरमा, ऐसे बहुत सारी चीजों के साथ अप्पम के साथ खाया जा सकता है। वैसे पुट्ट मैं दिखाई थी तो पुट्ट के साथ भी ये सारी चीजें खा सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ अप्पम और स्टू करी, केरला का ऑथेंटिक रेसिपी। चलिए मेरे साथ चलो। ये देखिए मैं आपको केरला की एकदम ऑथेंटिक रेसिपी दे रही हूँ अप्पम। अप्पम की ये देखिए इसको मैं किस तरीके से मैं पहले भिगो रही हूँ। मैं तो क्या है ना थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट में बनाती हूँ, कभी भी मन किया तो डिनर में खा लिए, तो कभी मत ऐसे ब्रेकफास्ट के लिए। तो मैं ऐसे क्या करती हूँ, एट ए टाइम थोड़ा ज्यादा ही पीस लेती हूँ, अल्टरनेट डेज कभी बनाना हो इस तरीके से। तो मैं क्या की, मैंने 2 किलो चावल लिया है, इसको मैं अच्छे से 5-6 टाइम्स अच्छे से इसको मैंने वॉश किया और इसको मैं 5-6 घंटे के लिए मैंने इसको भिगो के रखा है। आप इसको ओवरनाइट भी भिगो के रख सकते हैं। इस तरफ ये देखे मैं यहाँ पे अपना घी, सुबह सुबह क्या है ना बहुत सारा काम रहता है, तो यहाँ पे मैं अपना बटर भी बना के रखी हूँ ताकि मैं घी बना लूँ, तो ये काम साथ ही साथ सब चलता ही रहता है। इसको भी अच्छे से 3-4 बार मैं इसको वॉश करूंगी पहले, फिर उसके बाद मैं बटर से मैं घी बनाऊंगी। फैमिली बॉन्डिंग वाले वीडियो में आपको मैं कैसे घी बनाते हैं मैं वो दिखाई हूँ, और उसका जो लेफ्ट ओवर जो खुरचन बोलते हैं उससे हम लोग किस तरीके से उसको
यूज करते हैं, चावल डाल के किस तरीके से खाया जाता है वो भी मैं आपको दिखाई हूँ। यहाँ मैं अपना चावल को मैं भिगो के रखी थी आधे घंटे के लिए, माइक्रोवेव में पकाऊंगी और इसमें मैंने थोड़ा सा खड़ा नमक और मैं गर्म पानी डालूंगी और गर्म पानी मैं अंदाजे से डालती हूँ, सब काम एक साथ चलता है मेरा। तो ये देखे मैं ये लंच की भी तैयारी कर रही हूँ साथ ही साथ, तो मैं यहाँ पे मैं चावल बना रही हूँ और ये देखे मैं इसमें अंदाजे से पानी डालती हूँ और इसको मैं फिर माइक्रोवेव में रख के मैं इसको पकाऊंगी 10-15 मिनट रखती हूँ मैं। और ये मेरा चावल रख ली मैं यहाँ पे, यहाँ मेरी घी बन रही है, ये देखिए अभी इतना पिघल गया है और ये घी बनेगा, आप फैमिली बॉन्डिंग में आप देख सकते हैं। और ये देखिए पापड़, मैं इसमें कैसे वो खुरचन को लेके, ये खुरचन खाना है आज करके मैंने, ये देखिए इतना पापड़ तला है और ये चावल आप देख सकते हैं वो वाले वीडियो में। चलिए अब अपम पीसने की तैयारी किया जाए। ये देखिए मैंने इतना नारियल लिया हुआ है, नारियल को आप ग्रेट करके भी ले सकते हैं, मैंने इसको इस तरीके से पीसेस में काटा है, थोड़ा जल्दी हो जाता है। ये देखिए मैंने एक नारियल लिया हुआ है, 2 किलो चावल के लिए आप 2 नारियल भी ले सकते हैं पर मैंने 1 ही लिया है, फिर भी मेरा अप्पम एकदम A1 बन के आता है, सबको बहुत पसंद आता है मेरा अप्पम। चलिए आप भी देख लीजिए किस तरीके से मैं ये कर रही हूँ। ये देखिए हमारा चावल भी भींग गया है, 8 घंटा हो चुका है, अच्छे से ये भींग गया है। ये देखिए कैसे टूट रहा है, आसानी से टूट रहा है। देखिए यही वाला चावल लेके मैं कुकर में पकाई हूँ और खूब सारा पानी डाल के पकाई हूँ कि अच्छे से वो गलाव टाइप का होना चाहिए चावल, वैसे मैंने इसको पकाया है। इसका एक और तरीका होता है, जैसे भिगोया हुआ चावल को पीस लेते हैं ना, तो वो चावल का जो बैटर है, जैसे 1 कप बैटर लिए तो 3 कप पानी डाल के उसको पकाते हैं, उसको गाढ़ा करते हैं, फिर उसके वो अप्पम के बैटर में मिक्स करते हैं। तो मैं क्या है थोड़ा सा इजी करने के लिए मैं चावल पका लेती हूँ, मैं इस तरीके से बनाती हूँ, ये इजी है थोड़ा सा चावल पका के फिर मैं इसको पीस लेती हूँ। अगर आपके पास लेफ्ट ओवर राइस होगा ना तो आप वो भी डाल के पीस सकते हैं, मेरे पास नहीं था करके मैंने इसे पकाया। जिस भगोने में मैंने चावल भिगोया है ना उसी में ही मैंने पोहा डाला है, पोहा मैं करीब अंदाजे से डाल रही हूँ, 3 कप समझ लीजिए मैं अंदाजे से डाल रही हूँ, उतना मैंने पोहा लिया है। और इसको भी मैं 2-3 बार बस अच्छे से वॉश करूंगी, वॉश करके मैं इसको भिगो के रखूंगी, 10 मिनट तक तो भींग ही जाता है। तो ये देखे मैं और इसमें अच्छे से धो ली इसको, फिर उसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको भिगो के रखूंगी 5-10 मिनट के लिए। मैं क्या ना ग्राइंडर में पीस रही हूँ, तो ग्राइंडर में अगर मिक्सी में पीसना हो तो वो हो जाता है, एक बार धो लो और तुरंत मिक्सी में पीस जाता है, पर ग्राइंडर में क्या है थोड़ा सा मतलब वो पत्थर रहता है ना बीच में अटक जाता है करके मैं इसको पहले से भिगो के रखी हूँ ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए पानी डाल दी मैं इसमें भिगो के रखने के लिए, अभी मैं 10 मिनट के लिए मैं इसको भिगो के रखूंगी। ग्राइंडर में पीसना है करके मैं इसको भी मिक्सी में एक बार चला लूंगी, अगर आप मिक्सी में पीस रहे हो तो इसको डायरेक्ट भी आप डाल सकते हैं आप, मुझे पर ग्राइंडर में करना है करके ये देखिए मैं इसको मिक्सी में एक बार अच्छे से मैं इसको पीस लूंगी। ग्रेट कर रहे हैं तो जरूरत नहीं है, मिक्सी में पीसने की जरूरत नहीं है, तो मैंने इस तरीके से पीसेस में किया है करके मिक्सी में थोड़ा सा पानी डाल के मैं उसको एक बार चला लूंगी। अब हमारा पोहा भी अच्छे से भींग गया है, अब मैं इसमें चीनी डालूंगी, मैं 3 कप के करीब चीनी डाल रही हूँ, हमें थोड़ा सा स्वीटर साइड पसंद है पर इतना भी मीठा नहीं होता है, थोड़ा सा मीठा रहता है, हमें इतना मीठा चाहिए, आप लोग कम करना चाहे तो कम कर सकते हैं, पर इतना मीठा डालते तो मेरे घर में ये पसंद आता है, पर ज्यादा मीठा भी नहीं रहता है। ये देखिए मैं कम से कम 3 कप के करीब मैंने चीनी डाला है, चीनी मैं इसमें इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि वो भी पानी में घुल जाएगा, और क्योंकि मुझे ग्राइंडर में पीसना है ना तो डायरेक्ट डालूंगी ना, पत्थर जब पीसता है तो चीनी बीच में आके वो किट किट करके आवाज आती है, तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है करके मैं ये इसी पानी में मैं इसको घोल ले रही हूँ। आप जैसे मिक्सी के जार में आप कर रहे हो तो जैसे पहले चावल डाल दिए, फिर पोहा डाले, फिर उसके बाद चीनी नारियल ऐसे डाल के नमक डाल के आप उसको ऐसे पीस सकते हैं, मुझे ग्राइंडर में करना है करके मैं इस तरीके से कर रही हूँ, चीनी इसमें डाल रही हूँ। देखिए ग्राइंडर कैसा होता है, 3 पत्थर वाला ग्राइंडर है मेरा, इसको मैं खोल के दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए ऐसा होता है, ये मेरा जैसे 3 पत्थर है तो एक दूसरे से टच है, तो जैसे इसमें मैं नारियल का पीसेस डाली तो इसमें अटक जाएगा, फिर ये रुक जाएगा ग्राइंडर, ये देखिए इस तरीके से ये घूमता है, और इसमें जैसे चीनी वगैरह भी डाल दो तो वो उसमें आवाज आता है, जैसे अगर गलती से पत्थर भी आ जाए ना तो बहुत ऐसे आवाज करता है। ग्राइंडर में पीसने से एक फायदा रहता है कि एक लार्ज अमाउंट का अपन एक साथ पीस सकते हैं और एक बार डाल लो और निश्चिंत होके मतलब हम दूसरा काम कर सकते हैं, मिक्सी में करना हो तो क्या है वही खड़े खड़े करना पड़ता है, तो ग्राइंडर में ये एक बेनिफिट है, इसमें डालो और निश्चिंत हो जाओ जब तक ये पीसेगा, फिर जब हो जाएगा फिर बस इसको निकाल के रखना है। इडली डोसा हो अप्पम हो लार्ज अमाउंट में ही बनाती हूँ तो इसलिए मैं प्रिफर करती हूँ
ग्राइंडर में पीसना, एक बार डाल लो और आराम से ये पिसता रहेगा और अपना काम करते रहो। ये देखिए मशीन ऑन करके फिर मैं इसमें ऐसे थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें चावल डाल रही हूँ। देखिए इसमें मेरा पूरा भगोना खाली हो गया है, 2 किलो चावल, पोहा, चीनी ये सारा डाल के इसमें ये सारा फुल हो गया है। फिर उसके बाद मैं इसमें 3 चम्मच के करीब मैं नमक डाल रही हूँ स्वाद के अनुसार, मतलब इतना नमक सफिशियंट था। उसके बाद हमने जो पीसा था ना नारियल, वो भी अभी मैं डालूंगी। ये देखिए अब इसको थोड़ा थोड़ा करके इसको भी मैं पूरा डालूंगी इसमें। ये पूरा डल जाएगा ना फिर मैं इसमें पका हुआ चावल डाल के वो भी इसमें एक साथ सब करके मैं पीसूंगी। अगर आप मिक्सी में कर रहे हो ना, अब बैच बाई बैच आपको करना पड़ेगा। तो पहले चावल लिया आपने, फिर पोहा, नारियल, चीनी, नमक, पका हुआ चावल, ये सब एक साथ डाल के उसको पीसिए बैच बाई बैच, जितना आप क्वांटिटी ले रहे हो जाएगा। देखिए इतना चावल बचा हुआ है, मैंने इतना चावल डाला है, 2 कप के करीब मैंने चावल लिया है। अब इसको पीसने देते हैं और जब ये अच्छे से पिस जाएगा ना फिर हम इसमें डालेंगे ईस्ट। इसमें मैं 1 चम्मच भर के मैं ईस्ट डाल रही हूँ। आपका भी जब मिक्सी में सारा हो जाएगा ना तो पीसने की भी जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट भी डाल सकते हो, पर मैं इसी में मैं डाल रही हूँ। 1 चम्मच के करीब मैं ईस्ट डाल रही हूँ। ये देखिए इतना मैं डाल रही हूँ। ईस्ट को खमीर भी बोलते हैं। और ये देखिए वो डालने से क्या होता है ना, अच्छे से फर्मेंट हो जाता है, एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है ईस्ट डालने से। और ये देखिए हमारा बैटर पीस गया है, इसकी कंसिस्टेंसी देखिए इस तरीके से है। और इसके बाद ये देखिए इसको मिलाते मिलाते ही ईस्ट डाले है ना, तभी ये थोड़ा सा फर्मेंट होने लगा है, थोड़े थोड़े बबल्स आ गए हैं। अब मैं इसको 2 बर्तन में इसको ट्रांसफर करूंगी, नहीं तो ये एकदम से ऊपर आ जाएगा, फुल के आ जाएगा और नीचे गिर जाएगा। तो इसको मैं 2 बर्तन में ट्रांसफर करूंगी और ये जब आ जाएगा फर्मेंट हो जाएगा मैं इसको फ्रिज में रखूंगी। ये देखिए 1.5 घंटे में ही मेरा अप्पम का बैटर फुल के फर्मेंट होके रेडी है। आप इसको अभी बना सकते हैं, पर मैं अभी इसको अच्छे से एक बार ये फेट के मैं अभी फ्रिज में रखने जा रही हूँ, नहीं तो ये गिर जाएगा। चलिए अब अप्पम के साथ खाने के लिए आलू की स्टू करी बनाया जाए। हमारी भाषा में इसको उड़ला कड़ंग स्टू करी बोलते हैं। एकदम सिंपल है, इजी है और वेरी वेरी टेस्टी है। देखिए मैंने 7 आलू, 2 प्याज, हरी मिर्च, नारियल और अपने ही गार्डन का कड़ी पत्ता, फ्रेश कड़ी पत्ता, और आलू को देखो मैं इस तरीके से मैं काट रही हूँ। क्यूब साइज में इसको काटना है। ये देखिए इस तरीके से इसको मैं काट रही हूँ। अप्पम के साथ क्या है ना, बहुत सारे करी जाता है। जैसे ये स्टू करी है तो वेजिटेबल स्टू करी, वेजिटेबल कूरमा, और जो नॉन वेज खाते हैं जैसे चिकन, मटन, फिश करी, प्रॉन करी, बहुत सारे करी के साथ अप्पम जाता है और बहुत ही अच्छा लगता है। आज मैं आपको एकदम सिंपल आलू की स्टू करी मैं दिखा रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको स्लाइस किया और इतना ये जो छोटा सा जो मैंने प्याज को अलग किया है ना, छोटा सा चॉप करके मैं इसको तड़के के लिए मैं रखी हूँ। ये देखिए मेरी सारी कटिंग हो गई है। अभी मैंने कुकर में बनाना है तो कुकर में मैं थोड़ा सा तेल ले रही हूँ, कोकोनट ऑयल ली हूँ, आप कोई भी तेल ले सकते हैं। ये देखिए इतना कोकोनट ऑयल डाली इसमें। कई लोग दालचीनी, लौंग, इलायची डालते हैं, मैं नहीं डालती। तेल गरम होने के बाद मैंने प्याज डाला है। प्याज को ना ब्राउन नहीं करना, एक स्लाइट थोड़ा सा इसको हल्का सा भुनना है। प्याज जब थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो जाए ना तब तक उसको भुनना है। साथ में थोड़ा सा हरी मिर्च, हरी मिर्च मैंने थोड़ा सा चीरा लगाया है, इसको भी स्लाइटली थोड़ा सा भून लिए। भुनने के बाद थोड़ी सी कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ता डालने के बाद इसको भी थोड़ा सा चला लिए। ये थोड़ा सा हो जाने के बाद मैं मोटा नमक ली, आप कोई भी नमक ले सकते हैं। ये देखिए इतना नमक ली मैं। फिर उसके बाद देखिए इतना भून ली मैं प्याज, इतना भूनने के बाद ज्यादा ब्राउन नहीं होना है। इसके बाद मैं इसमें आलू डाली के बाद इसको अच्छे से मिक्स करना है। 3-4 मिनट के लिए इसको ऐसे ही भूनना है। देखिए इस तरीके से भूनने के बाद मैं इसमें गर्म पानी डाली। गर्म पानी डालने से क्या है, कुकिंग थोड़ा सा इजी हो जाता है। एक और बार इसको अच्छे से मिक्स करी, फिर कुकर को बंद करके मैं इसमें 2 विसल आने दी। अब इसकी ग्रेवी की तैयारी किया जाए। मैंने ये नारियल के ऐसे पीसेस किए हुए हैं, नारियल के, इसको ग्रेट भी कर सकते हैं, मैंने ऐसे पीसेस में किया हुआ है। और कई लोग इसके नारियल के दूध से बनाते हैं, मैं पर मिक्सी के जार में इसको अच्छे से स्मूथ पेस्ट करूंगी तो वैसे सेम बराबर हो जाता है, फिर वो नारियल दूध निकालने वाला सारा झंझट रहता है ना। देखिए इसमें मैंने 3 बड़े चम्मच के करीब, टेबल स्पून के करीब मैंने सौंफ डाला है। आप काली मिर्च भी डाल सकते हैं, मेरे पास काली मिर्च पाउडर रखा था करके मैं इसमें काली मिर्च पाउडर डाली। 1 स्पून के करीब मैंने काली मिर्च पाउडर डाला है। इसमें थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे से स्मूथ पेस्ट करना। ये देखिए हमारी आलू पक गई। फिर से मैंने गैस को ऑन कर दिया है। इसके बाद हमने जो पेस्ट बनाया है ना, इसमें डाल के अच्छे से इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद मिक्सी के जार में जितना भी था ना उसमें मैंने गर्म पानी डाला और के एक और बार इसको अच्छे से वॉश करके मैं इसमें डाली। इसके बाद ज्यादा पकाना नहीं है, इसको एक बॉइल आते तक इसको पकाना है। तो क्या कोकोनट डाले है ना तो उसका टेस्ट एकदम चेंज हो जाएगा, इसको एक बॉइल आते तक ही इसको पकाना है। देखिए अब इसमें मैं
और कड़ी पत्ता डाली। कड़ी पत्ता डाल के अभी मैं इसका स्विच ऑफ कर दूंगी। नमक मुझे थोड़ा सा कम लगा तो मैंने थोड़ा सा नमक डाला। फिर तड़के के लिए मैंने ये तेल डाला, नारियल तेल। उसमें मैंने सरसों डाला 2 चम्मच के करीब। उसमें मैंने चॉप किया हुआ प्याज डाला। जब ये ब्राउन हो गया ना, फिर मैं इसमें कड़ी पत्ता डाली। देखिए, कड़ी पत्ता डाल के भी थोड़ा सा और अच्छे से इसको फ्राई करने के बाद हमारी तड़का तैयार। उसके बाद मैं इसको 5 मिनट के लिए ऐसे ढक के रख देती हूँ ताकि उसकी खुशबू उसके अंदर ही रहे। ये देखिए हमारी स्टू करी रेडी, एकदम टेस्टी स्टू करी। इसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिए किस तरीके से है। अब स्टू करी बनने के बाद अब अप्पम की तैयारी किया जाए। ये देखिए अप्पम का बैटर कितना अच्छे से फर्मेंट हो गया है ना। मैं इसको एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। मैं ये देखिए दोनों बर्तन का मेरा फर्मेंट होके कितना अच्छे से फुला फुला है। अब ये देखिए, ये मैं 2 कढ़ाई ले रही हूँ ताकि जल्दी से बन जाए। जो राइट साइड में ये जो छोटी वाली है ना, ये है असली अप्पम मेकर। वैसे मैं ये 2 कढ़ाई में दोनों में हो जाता है। ये देखिए मैं थोड़ा सा टिश्यू पेपर ली, टिश्यू पेपर में थोड़ा सा ऑयल लगाई थी, थोड़ा सा इसको ग्रीस करने के लिए। ज्यादा ऑयल भी नहीं चाहिए, जस्ट उसको ग्रीस करने के लिए मैंने इस तरीके से इसको ये किया है। ये देखिए दोनों कढ़ाई को इसको ग्रीस करना है। चलिए अब अप्पम बनाया जाए। ये देखिए इस तरीके से इसको डालते हैं और इसको ऐसे पकड़ के इसको घुमाना रहता है। इस तरीके से एक बार ऐसे घुमाओ। इसका जो है बैटर बीच में रहेगा ना, तो ये थोड़ा सा मोटा रहेगा और फुला रहेगा। असली अप्पम ऐसा रहता है। ये देखिए बीच में मोटा रहेगा और साइड में पतला रहेगा। फ्लेम को मीडियम में रखना है और इसको ढक के पकाना है। हमें ना अप्पम थोड़ा सा पतला पसंद है। ये देखिए मैं इस तरीके से डाली और इसको 2 बार घुमाऊंगी तो ये क्या है, पतला हो जाएगा। अगर एक बार घुमा के आप रखोगे ना तो बीच में वो बैटर आ जाता है। तो ये देखिए ऐसे 2 बार घुमाने के बाद मीडियम फ्लेम में इसको ढक के पकाइए। ये देखिए एक अप्पम बन गया जो बीच में इडली जैसा है और साइड में क्रिस्पी रहता है। ये होता है असली अप्पम, ऐसा दिखता है। ये देखिए ये अप्पम भी तैयार। हमें इस तरीके का अप्पम पसंद है। ये देखिए पहला वाला अप्पम ऐसे बीच में इडली जैसा और ये साइड में एकदम क्रिस्पी ऐसा रहता है, जालीदार। और ये हमें इस तरीके का पसंद है। ये देखिए मैं ये भी आपको दिखा देती हूँ, एकदम सॉफ्ट जालीदार, एकदम मधुमक्खी के छत्ते जैसा और एकदम टेस्टी। ये देखिए किस तरीके से दिखता है, ऐसा रहता है अप्पम। ये देखिए पीछे साइड से भी देखिए इस तरीके से होता है। अब मैं एक शेप में आपको दिखाऊंगी ये किस तरीके से अप्पम बना रही हूँ, स्टार शेप में। एक इस तरीके से ये देखिए ऐसे 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 करके एकदम फ्लावर के शेप में बन गया ना। ये देखिए और इसको भी ढक के अब पकाएंगे। ये देखिए हमारी फ्लावर शेप वाली, स्टार शेप वाली अप्पम तैयार। कितना सुंदर लग रहा है ना, कितना अच्छा लग रहा है। बच्चों को इस तरीके से दो ना, थोड़ा सा क्रिएटिविटी करके तो बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए हमारी यम्मी यम्मी स्टू करी, एकदम सुपर स्टू करी और अप्पम। आप लोग भी आइए हमारे साथ अप्पम एंजॉय करिए। ये देखिए कितना सॉफ्ट अप्पम। अब मीठा मैं जो डाली थी उतना स्लाइट मीठा है, ज्यादा मीठा भी नहीं है। ऐसे भी खा सकते हैं। देखिए कैसे मधुमक्खी के छत्ते जैसा दिख रहा है ना, ऐसे होना चाहिए ये अप्पम। मैं तो थोड़ा सा ऐसे पतला बनाई हूँ। आप इसको मतलब जैसे प्रॉपर वे में मैं आपको शुरुआत वाला जो दिखाई थी मैं बीच में थोड़ा सा इडली जैसा और साइड ऐसा। ये शुभम के लिए स्कूल जा रहा है। स्कूल जाने से पहले अप्पम, गर्मा गर्म अप्पम, स्टार अप्पम। मेरे शुभम स्टार है ना, तो वैसे स्टार अप्पम टेस्ट करके बता बेटा कैसा है। सबको पसंद है यहाँ पे अप्पम और स्टू करी। गरम है ना, टेस्टी है, टेस्टी है। बोलेगा ही कैमरा में तो टेस्टी बोलेगा ही है ना, है। मेरे बच्चे को पसंद है, घर का सारा चीज पसंद है। अमन को भी बहुत पसंद है ये वाला स्टू करी, अप्पम और स्टू करी।